हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं, और ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हमारा फोकस किस पे है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इसके अलावा टीचर्स के एग्जाम की हम यहाँ पर आपको तैयारी करा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर आ सकें। आज है 19 अप्रैल, तो 19 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले कर लेते हैं एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आंसर जो आपको कल के लेक्चर में दिए थे। तो देखिए, हमने आपको ये कल, देखो सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो, हमारे द्वारा दो तरीके का करंट अफेयर्स लाया जा रहा है। एक करंट अफेयर्स जनरल करंट अफेयर्स है, जिसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, है ना। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये जनरल करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। उसके अलावा एजुकेशन बेस्ड जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इससे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं, आपको डेली 7 PM टू 8 PM के आसपास आपको मिल जाते हैं, जिससे आपकी और ज्यादा तैयारी हो सके। तो इन दोनों को जैसे ही आप मर्ज करके जाएंगे, तो आपका करंट अफेयर बहुत ज्यादा स्ट्रोक हो जाएगा। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इसमें देख लेते हैं। देखो, ये जिसने भी ये स्कीम्स नहीं करी है, इसको कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमने दिया था एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट इज ए स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय विच कंट्री। तो ये जो एस्ट्रोसैट है, किस देश द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष दूरबीन है? तो यहाँ पे देखो, चार ऑप्शन दे रखे हैं, USA, रशिया, इंडिया या चाइना। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया था? तो सेप्टेम्बर 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया था। तो 2015 में इसको लॉन्च किसके किससे किया था? GSLV या PSLV? तो उस समय PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था, जो C-30, ठीक है, PSLV-XLV कर सकता है, PSLV-XL एक्स्ट्रा लार्ज C-30 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था, ये पूरा याद कर लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर दो देखिए। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड्स? ठीक है, तो किस संस्थान ने सार्वजनिक भलाई के लिए डेटा केंद्र लॉन्च किया है? तो नीति आयोग, IISc, DRDO और IIT मद्रास। तो इसको लॉन्च किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, IISc के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए अब आज का लेक्चर करते हैं, आज का लेक्चर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहली खबर है यहाँ पर, यहाँ पेटीएम को अप्रूव मिल गया है NPCI का फॉर यूज बैंक माइग्रेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें क्या है, जो इसमें क्या याद रखना, कौन कौन सी बैंकों के, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, इस पर RBI ने क्या सेंशन लगा दिए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। कब लगाए थे? 15 मार्च 2024 तक बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को बंद करने के आदेश दिए थे RBI ने पेटीएम के ऊपर। तो इसीलिए क्या था, पेटीएम के ऊपर ये सेंशन लगे हुए थे। तो पेटीएम क्या कर रहा था, दूसरी बैंकों का इस्तेमाल कर रहा था जो भी ट्रांजेक्शन करने थे। तो अब क्या है, जो ये पेटीएम बैंक है, इसने क्या है, चार बैंकों के साथ करार किया है, और यही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चार कौन कौन सी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के साथ में अपना एकीकरण पूरा कर लिया है ना। तो ये बैंकिंग बैंकों के नाम याद रखें, यहीं से क्वेश्चन बन के निकल कर आ सकता है आपके लिए। तो पेटीएम को अपने उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित भुगतान सेवाओं के लिए अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। अब ये क्या है, ये चार बैंकों के साथ में इसने करार किया है। इन चार बैंकों के नाम अच्छे से याद करने हैं। पहली कौन सी हो जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी कौन सी हो जाएगी, यस बैंक। तीसरी कौन सी हो जाएगी, HDFC। चौथी बैंक कौन सी है, एक्सिस बैंक। ठीक है, ऐसे याद करने हैं। आ जाइए नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट खबर है, जो हमारी इंडियन नेवी है, उसने समरसेबल प्लेटफॉर्म स्पेस इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ पे किया है, ये लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो आ जाइए इसको देखते हैं। तो देखिए, जो भारतीय नौसेना ने केरल के इडुक्की में समरसेबल प्लेटफॉर्म फॉर कॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन स्पेस के लिए एक आधुनिक समरसेबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। तो देखो, यहाँ पर जो स्पेस है, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखें, ये स्पेस की पूरी फुल फॉर्म है, समरसेबल प्लेटफॉर्म फॉर अकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, ये स्पेस हो जाएगा। तो केरला के इदुक्की शहर के अंदर ये स्पेस सेंटर डेवलप किया गया। अब ये स्पेस सेंटर क्यों डेवलप किया जा रहा है, तो जो हमारी इंडियन नेवी है ना, हमारी इंडियन नेवी क्या इस्तेमाल करती है, शिप्स, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, अदर, ये जो इस्तेमाल करती है, तो इनके अंदर एक सिस्टम लगाया जाता है जिसका नाम है सोनार सिस्टम। तो ये सोनार सिस्टम से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग करनी है, जांच करनी है, परीक्षण करने हैं, उसको इवेल्युएट करना है, तो वो सारे कार्य कहाँ किए जाएंगे, इस स्पेस सेंटर के अंदर किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो रक्षा प्रणाली है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, कौन कर रहा है, भारतीय नौसेना के द्वारा ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है,
ठीक है, किस चीज के लिए, जो सोनार प्रणाली है उसकी टेस्टिंग करने के लिए। इतना याद रख लेना कहाँ पर है ये, केरला के इडुकी शहर के अंदर ये स्पेस सेंटर डेवलप किया गया है, नाम भी इसका स्पेस ही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट खबर है सक्षम ऐप। अब जो सक्षम ऐप है, तो सक्षम ऐप से ये पता चलता है कि ये मतलब सक्षम बनाने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया। तो किन को, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं उनको क्या है, सक्षम करने के लिए इस ऐप का विमोचन किया गया। अब इस ऐप को लॉन्च किसने किया, तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है हमारे निर्वाचन, जो भारत निर्वाचन आयोग है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये भारत निर्वाचन आयोग ने सक्षम ऐप लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द सक्षम ऐप। तो इस सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपसे ये पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, कि भैया चुनाव से रिलेटेड जो जो समस्याएं आती हैं इनको, वो उस सब उन सब समस्याओं का निराकरण इस ऐप के द्वारा किया जा सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस ऐप को लॉन्च किया है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाओं की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ऐप का उद्देश्य क्या है, दिव्यांगजनों को अनुकूलित सेवाएं प्रदान करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है। अब देखिए जो ऐप है, इससे क्या क्या यूज किया जा सकता है, किन फीचरों के साथ लैस है। तो सबसे पहले तो इसमें नया मतदान पंजीकरण, अगर कोई न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो इस ऐप के थ्रू वो कर सकता है। दूसरा क्या है, एग्जिस्टिंग वोटर सर्विस, अगर कोई पहले से वोटर है तो वो उसको जो एग्जिस्टिंग वोटर सर्विसेज है वो उसको प्रोवाइड कराई जा सके। तो अगर उससे रिलेटेड उसको कोई जानकारी चाहिए, तो मतलब वोटिंग से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर उसको आसानी से उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा घर का दौरा, तो जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो इस ऐप के थ्रू क्या कर लेगा, उसको पता चल जाएगा आपकी लोकेशन कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो वो आपके घर तक आसानी से आ सकता है, आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सकता है। जनरली क्या है, दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई है, तो दिव्यांगजन तो खुद तो जा नहीं सकते हैं कहीं, मतलब बहुत डिफिकल्टी आती है उनको कहीं आने जाने के लिए, तो जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो उनके घर आएगा, जो भी प्रक्रिया करनी है, जो भी मतलब चुनावी प्रक्रिया से रिलेटेड कुछ भी समाधान करना है, तो वो यहाँ पर घर आके उसका निराकरण कर सकता है आसानी से, है ना। अभिगम्यता सुविधाएं, तो ये ऐप क्या है, जैसे दृष्टि बाधित हो गए, जैसे कुछ सुन नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो उन उनके उनसे रिलेटेड जो जो फीचर्स इसमें इंकल्केट करने हैं, वो सारे फीचर्स इसको ऐप को लैस किया गया है, जिससे किसी भी डिसेबल पर्सन को कोई भी समस्या ना आए, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र की जानकारी, अगर जैसे मान लीजिए कोई पर्सन विद डिसेबल है या फिर कोई भी बंदा है, अगर उसको मतदान केंद्र की जानकारी चाहिए तो इस ऐप के थ्रू उसको आसानी से मतदान केंद्रों की जानकारी मिल जाएगी, और उसको ये भी पता चल जाएगा कि उसकी उसको उसका केंद्र कौन सा है, उसको कहाँ जाके वोट करना है। ठीक है, शिकायत दर्ज कर सकता है, इस ऐप में ये भी फीचर दिया गया है, अगर किसी को कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो आसानी से इस ऐप के जरिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर उसके वोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड या फिर वोटिंग में कोई अनियमितता पाता है या किसी भी प्रकार की उसको समस्या आती है, तो वो यहाँ जाकर अपनी क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा व्हील चेयर और परिवहन सेवाएं, जो पर्सन विद डिसेबल्ड है, अगर उनको जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए, व्हील चेयर की जरूरत है, तो इस ऐप के जरिए वो अपनी डिमांड रख सकते हैं कि भाई हमें इन चीज़ों की जरूरत है, वोटिंग पोलिंग बूथ तक जाने के लिए हमें वोट कास्ट करने के लिए व्हील चेयर चाहिए या जो भी चाहिए, वो सारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अजय नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इंडिया राइजिंग पल्सेस इम्पोर्ट, तो हमारा जो भारत देश है वहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का, फिर भी हमें क्या है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो आज ये देखते हैं इसके बारे में, भारत क्या है, दालों का एक प्रमुख उत्पादक है, हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत हाई क्वांटिटी में दालों जो पल्सेस है इनका प्रोडक्शन किया जाता है और उपभोग भी किया जाता है, इसी इसके बाद बावजूद हमें क्या है, पल्सेस को इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, कम पड़ जाती है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष में 2023-24 में दालों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, कितनी देखी गई है, अगर हम बात करें वर्ष 2023-24 से पहले जो पिछला वर्ष था उसमें 24.5 लाख टन हमारा दालों का इम्पोर्ट था, जो वर्ष 2023-24 में भरकर कितना हो गया, 45 लाख टन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कितना ग्रो कर गया, 24.5 लाख टन से बढ़कर 45 लाख टन हो गया है वर्ष 2023-24 में। और इसी के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, जो अलग और जो देश हैं उनके साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने की बात कर रही है, तो कौन कौन से देश, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे नए बाजारों के साथ बातचीत चल रही है दालों को इम्पोर्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए।
अब आ जाइए नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट खबर है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। आपको पता है देखो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी अनियमितताएं आ रही हैं, तो इसी पर क्या है, ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है उसको ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान हो जाएगा। कब तक? 2049 तक, ठीक है। तो कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा, तो इसमें ये बताया गया 38 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक नुकसान हो सकता है वर्ष 2049 तक, 49 तक। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको कितना नुकसान बताया गया, 38 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक वार्षिक नुकसान बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये जर्मनी में पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में ये चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अगले 25 वर्षों के भीतर वैश्विक आय में 19% की गिरावट भी आ सकती है। तो भले ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कितने ही महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हों, फिर भी जो इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा, इस तरीके की रिपोर्ट छपी है। कितने यूएस डॉलर, कितना? 38 ट्रिलियन डॉलर का 2049 तक हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये रिपोर्ट बता रही है। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, देखिए ये वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई ब्यूटी पीजेंट एंड द फीचर्स ऑफ एआई जज। तो ब्यूटी पीजेंट क्या होता है, जो देखो जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको उनकी क्वालिटीज के आधार पर उनको जज किया जाता है, उसी को पीजेंट बोला जाता है। जैसे ब्यूटी के बेसिस पे, ब्यूटी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे यंग गर्ल्स वुमेन्स को आप क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो ये ब्यूटी पीजेंट कहलाता है। तो ये मिस एआई, तो ये दुनिया का पहला ऐसा मिस एआई ब्यूटी पीजेंट है जिसमें क्या होगा, एआई जज होंगे, ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। तो ये इसमें कंटेस्टेंट कौन होंगे, एआई होंगे, और जज भी कौन है, इसमें एआई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड एआई क्रिएटर्स अवार्ड, अवार्ड का नाम क्या है, वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड है, जिसमें मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा की गई है कि मिस एआई का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एआई जनित मॉडल्स होंगे। अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता में मूल्यांकन सौंदर्य तकनीक सोशल मीडिया के प्रभाव के आधार पर किया जाएगा। जो इसमें मिस एआई विनर होंगी उनको क्या दिया जाएगा, $5,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। फैन व्यू प्लेटफॉर्म प्रमोशन किया जाएगा, $3,000 का मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा, और $5,000 के से अधिक का पीआर समर्थन इसमें दिया जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहते हो, ध्यान रख ले, वरना आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये खबर आगे कराए, ठीक है। अब जो इसमें प्रवेश करता है, जैसे मॉडल्स हैं, तो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, एआई जनरेटेड होनी चाहिए जो भी मॉडल्स इसके अंदर आएंगे। और जो इसके अंदर जो जजेस हैं, देखो निर्णय पैनल जो जज है उसमें दो एआई जनरेटेड जज हैं, क्या नाम है, एताना लोपेज और एमेली पेले ग्रीन ग्रीन, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये दोनों क्या है, एआई जनरेटेड एआई जजेस हैं, और साथ ही दो इंसान भी इसमें शामिल किए गए हैं जजेस के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, देखो अलग अलग ही दुनिया चल रही है, आप अलग दुनिया में हैं और यहाँ एक अलग ही दुनिया चल रही है ना, जो कहीं साइंस को आगे ही लेके जा रही है। अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट खबर है यहाँ पे, GAIA BH3 मोस्ट मैसिव स्टेलर ब्लैक होल इन द मिल्की वे डिस्कवर। तो ये क्या है, जो आप काला काला देख पा रहे हैं ये ही है ब्लैक होल, ठीक है, इसी को ब्लैक होल बोला जाता है, ये रहा ब्लैक होल, ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है, ब्लैक होल है। तो अब आ जाओ इसमें खबर क्या है, देखो खबर है, खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा की मिल्की वे में अब तक की सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल हो जा है, जिसका नाम क्या है, GAIA BH3 नामक ये ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग कितना, 2000 प्रकाश वर्ष दूर है, और ओक्विला तारामंडल में स्थित है। कहाँ लोकेटेड है ये, ओक्विला तारामंडल में। अगर हम बात करें, ये GAIA BH3 नामक ब्लैक होल है, तो ये क्या है, जो पृथ्वी से जो दूर दूरी नापी जाए तो ये सेकेंड फार्थेस्ट है, ठीक है। तो पहला कौन सा, मतलब अगर हम बात करें इस जो हमारी मिल्की वे से, अगर हम जो हमारी गैलेक्सी है उससे अगर हम दूरी नापे तो ये सेकंड नंबर का ब्लैक होल है। तो पहले नंबर का ब्लैक होल कौन सा जगह, पहले नंबर का ब्लैक होल है BH1 GAIA, GAIA, ठीक है। BH1 GAIA क्या है, ये 1500 1500 लाइट ईयर्स दूर ही है, ज्यादा दूर नहीं है, बस 1500 लाइट ईयर्स दूर है। एक लाइट को ट्रेवल कर, जैसे अपनी जो लाइट है चांद तक जाने में 1 सेकंड ले रही है, तो अब ये 1 साल तक ये लाइट ट्रेवल करती रहेगी। अब ऐसे ही 2000 सालों तक ये लाइट ट्रेवल करती रहेगी, तब जाके हम उस तारा इस पे पहुंचेंगे ब्लैक होल तक, इतनी दूर है, आप समझ जाइए कितनी दूर है, ठीक है। तो ये जो
हमारे ग्रह से दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल बना है, ठीक है। तो दूसरा सबसे निकटतम है, तो पहला निकटतम कौन सा हो गया, BH1 गया, जिसकी दूरी कितनी है, 1500 लाइट ईयर्स है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर हम तीसरे ब्लैक होल की बात करें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, BH2 हो जाएगा, जो कितना लाइट ईयर्स दूर है, 3800 लाइट ईयर्स दूर है BH2। BH1 गया, BH2 गया और BH3 गया, है ना। तो इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं, इनकी दूरी इस तरीके से। तो BH3 ये ढूंढा गया, जो 2000 प्रकाश वर्ष दूर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर देखो नेक्स्ट है। अब ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरीली हैबिटेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या केरला। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि भैया ये कोंडा रेड्डी ट्राइब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या केरला में कहाँ देखी जाती है। जनरली आपने साउथ की मूवी देखी होगी, तो वहां पे रेड्डी रेड्डी करके बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। तो बताओ जनरली कौन सी जगह की बात करते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। रिसेंटली वेयर वॉज द नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हेल्ड, ठीक है। हाल ही में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया, तो पोखरा नेपाल में, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर, काठमांडू नेपाल के अंदर, वाराणसी इंडिया के अंदर। तो ये बताना है आपको कि जो नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है, ये पोखरा नेपाल में किया गया है, नई दिल्ली भारत में, काठमांडू भी नेपाल के अंदर है, वाराणसी भारत के अंदर। तो इनमें से कौन सी जगह पर ये नेपाल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको आप हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118116110, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। टेस्ट किन चीजों का है, जीके, जीएस एंड कंप्यूटर, ठीक है, इनका ये टेस्ट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ध्यान रखें।